बरारी थाना क्षेत्र के बरारी पंचायत से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है। एक ऐसी खबर जिसने सबको सकते में डाल दिया है। बताया जा रहा है कि वार्ड नंबर 3 में बल्लाबारी के नजदीक पोखर के पास से एक खेत से एक युवक का शव खून से लथपथ हालत में मिला है। वह शव को देखने से ऐसा लग रहा है कि युवक की काफी बेरहमी से चाकू या फिर अन्य धारदार हथियार से गोद कर हत्या की गई है। मृतक युवक के गले, गर्दन, सीने, शरीर के कई भागों में धारदार हथियार से वार किया गया है। गड्ढे के आसपास कई जगह खून के छींटे पड़े हुए थे। लोगों के अनुसार युवक को मारकर गड्ढे में दफनाने की कोशिश की गई थी। मिली जानकारी के अनुसार सुबह खेत खलिहान में जाने के क्रम में स्थानीय लोगों ने युवक के शव को मक्के के खेत में बने गड्ढे में देखा। शव को देखते ही लोगों ने शोर मचाया, जिसके बाद देखते ही देखते सैकड़ों की संख्या में स्थानीय लोग शव को देखने के लिए पहुंच गए। घटना के संबंध में मृतक युवक की पत्नी शौकत आरा ने बताया कि मेरे पति मोहम्मद नियामुल को एक व्यक्ति के द्वारा 4-5 दिन से लगातार फोन किया जा रहा था और चौक चौराहे पर बुलाया जा रहा था। फोन करने वाले ने काम सीखने के संबंध में कुछ बात भी कही थी। बोला फोन किया लगभग 4-5 दिन से, 5 दिन से फोन कर रहा, तो वो बोल रहा कि जी हमारा घर वाला बोला कि नहीं साला नंबर कहाँ मिला बे, कि तो बार बार हमको फोन कर रहा, बोला कि जी नंबर हमको कोई दिया नहीं, हमको फोन कर रहा तो तेरा आपका सब काम सीखने के लिए जाएंगे लुधियाना, तो बोला कि जी हाँ इतना बड़ा आदमी थोड़ा काम पे थोड़ा आएगा तो चलो दूसरा काम कीजिएगा प्लस्तर वाला। तो डेली फोन कर रहा, डेली लगभग 4-5 दिन से कम से कम दिन में 15-20 बार फोन कर रहा हो। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपी की तलाश में जुट गई है। वहीं इलाके में दहशत का माहौल है। धीरज चौधरी, टाइम्स न्यूज, कटिहार।